90 सीटों वाली हरियाणा के विधानसभा चुनाव का अगर आपको माहौल जानना है तो मैं बात करूं उन 4 विधानसभा सीटों पर आपको जरूर जाना चाहिए जहां के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल मतदाताओं के बीच में क्या हिंदू वोटरों की मानसिकता में कोई बदलाव आया है, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले इन्हीं इलाकों में ध्रुवीकरण की सियासत ने खासा जोर पकड़ा था। गैर जाटों के बीजेपी का जो पहला प्रयोगशाला हरियाणा में है वो वही अहिरवाल की का क्षेत्र है, जिसके तहत मेवात की 4 सीटें आती है। अहिरवाल में 24 विधानसभा की सीटें आती है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जिसमें जाटों के मुकाबले यादव और ओबीसी वोटरों का एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में मेवात के मुसलमानों का भरोसा किस दल की तरफ है? बीते विधानसभा चुनाव में 4 सीटों वाली मेवात में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बदले हालात में इनेलो और बसपा के गठबंधन को क्या समर्थन मिल पाता है? जेजेपी जो बीते चुनाव में 10 सीटों पर कब्जा जमा पाने में सफल हुई थी, इस चुनाव में कहाँ है और मुसलमान मतदाताओं के मन में क्या है, ये जानने के लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट मेवात के उन 4 विधानसभा सीटों से दिखा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं मेवात के मुसलमानों के मन में क्या है। अच्छा, तो भाई साहब, हम लोग दिल्ली से आए News 24 से। हाँ जी। आपके यहाँ चुनाव है। हाँ जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मेवात में 4 विधानसभा की सीटें हैं। हाँ जी। और ये नूह है। हाँ जी। और मुसलमान बहुल इलाका है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार जो 4 सीट है आपका, नूह, झिरका, इसमें क्या मुद्दा है और किस तरीके का हवा है राजनीतिक पार्टियों के? हीन सर, पुनहाना में तो रहीसा को और इलियास को मामलो है मुकाबलो, भाई तो ना कहनी चाहिए, हूँ सर रही से मजबूत है। थोड़ा पार्टी वाइज बताइए, जो देश में देख रहे होंगे, जो यहाँ के लोकल नेता हूँ, तो निर्दलीय को ज्यादा दबदबो जी पुनहाना में। हाँ, रहीसा को। अच्छा, ऐसा क्यों? बस उसने काम कराए पब्लिक के पसंद जी। अच्छा। हाँ, पहले विधायक रहा हो, मंत्री रहा। और इधर ये नूह में, नूह में मुकाबलो नायब को और आफ्ताब को और जाकर को, तिकोण है। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, तीनों। हाँ जी। तो मतलब मुसलमान यहाँ बहुल है। हाँ जी। हाँ जी। तो मुसलमान तीनों तरफ बटे। हाँ, तीनों तरफ बट रहे हैं जी। हाँ जी, मुसलमान एक तरफा नहीं। ना ना, तीनों जगह। अच्छा। हाँ। और झिरका की क्या स्थिति है? झिरका में बीजेपी और कांग्रेस को मुकाबला रहेगा। कांग्रेस मुकाबला। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ तो 4 में से 3 सीट कांग्रेस ने जीती है ना। अब तो अब मुकाबला रहेगा सख्त। हाँ, ये है लाइन ना, मुकाबला रहेगा बीजेपी और कांग्रेस को। तो मुसलमान कांग्रेस पर यहाँ के भरोसा नहीं ना? मुसलमान बीजेपी लिए वोट दे रहा जी। हाँ, क्यों? बस दे रहा, वो खट्टर ने बढ़िया काम कराया, बालक लगाया, नौकरी लगाई। अच्छा। नहीं, हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले साल जब सावन का महीना था तो शोभा यात्रा यहाँ निकली। हाँ। और क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ की चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो अब चूंकि एक महीने के बाद चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा इधर से निकली, लोकसभा में यहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। हाँ। तो लोगों की दिलचस्पी है कि मेवात के मुसलमान क्या इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, क्या उनको लेकर उनकी राय क्या है, जेजेपी को लेकर उनकी राय क्या है और कांग्रेस को लेकर उनकी राय क्या है? सर, ऐसी है, जेजेपी तो हीन खत्म है। जेजेपी तो हीन, तो नूह में चुटाला, बीजेपी कांग्रेस। ऐसे भाग रहे हो जैसे हम थोड़े वोट मांगने थोड़े आए हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि वोट किस हिसाब से है, क्या इस बार है? देखो जी, मेवात में टम मुकाबला जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जीत रहा वो जीता, पर आदमी सबको जिताता है। जिसके कोई आदमी होता वो जिताता जी, जिसका कोई वोटर होता वो जिताता जी। अब ये है कि हम किसी को, हम उसको जिताएंगे। बात यह है कि मुकाबला टम है जी, 2 सीटों पर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पार्टी को लोग देखते हैं या फिर पार्टी के नेता को देखते हैं? देखो, यहाँ पे नेता जाते हैं वाले, नेता के लिए ज़्यादा वोट देवा। अच्छा। पार्टी वाले ना दे, नहीं कांग्रेस में पार्टी लोग देवा खैर, लेकिन नेता लोग भी देवा, कुछ ऐसी बात ना। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की टक्कर है जी यहाँ पे, ऐसा ना। हाँ जी। तो मुसलमान में बात के मुसलमान के लिए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप लोग? देखो, सबसे ज़्यादा
जो कि मुलाजिम लगाए हैं, बीजेपी सरकार लगाए हैं यहाँ। देखो 35 तो जेई लगा दिए यहाँ मुसलमान, 35 जेई आज तक कांग्रेस नहीं लगाए। और यहाँ पर जो छोटी मोटी जो गरीब घर के बच्चे हैं सारे लग रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ कोई सरपंच उसे मेरे लगेगा, कांग्रेस में ऐसा होता है। तो ये तो बीजेपी कहती है कि सबसे ज्यादा हम काम मुसलमानों के लिए करते हैं, अस्पताल में इलाज उनका होता है, नौकरियों, लेकिन वोट नहीं देते हैं हमको, ना दे रहे हैं, ऐसी बात ना दे रहे हैं जी। मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत है ये कहते हैं। ना ना ऐसे कोई ना जी, टक्कर ऐसी बात ना। मुसलमान खूब दे रहे हैं जी बीजेपी, पहले दीजिए वोट। कहाँ बीजेपी को वोट, ना पहले जाकर लो ना दी 49,000 सगड़े दी वाले नादी। अच्छा खूब मिल रही है वोट बीजेपी। मैं नू कह रहा हूँ मुकाबला सर, आप विश्वास करो। अब नू तो मैं कह दूँ एक तरफ वाला के बिल्कुल दोनों पार्टी को मुकाबला है, बीजेपी मुकाबले में है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या माहौल है इस बार के चुनाव का? अपने ये गांव आकेड़ा है, नूह विधानसभा में आता है और यहाँ तीन कैंडिडेट है, यानी तीन पार्टी, कांग्रेस बीजेपी इनोलो, तो तीनों नेताओं का बढ़िया जोर है। एक तरफा इलेक्शन किसी का भी नहीं है। अच्छा। एक तरफा इलेक्शन किसी का भी नहीं है, मतलब मुसलमान बहुल सीट पर जी, और मुसलमान बटे हुए हैं जी। वैसे है जी, यहाँ पे तीन कैंडिडेट है, तीनों ही मुसलमान हैं। ठीक है जी, इनोला से हबीबुर रहमान, कांग्रेस से आफ्ताब और बीजेपी से चौधरी जाकिर हुसैन। अरे अभी टिकट तो बंटा नहीं है, लेकिन संभावित संभावित है जी, यही क्लियर है जी, टिकट मिलेगा इनको ही। अच्छा जी, तो ज़्यादा तरह लोग बाग जो है जी लीडर को देखते हैं। और बीजेपी का 10 साल कार्यकाल में बीजेपी ने खूब विकास कराया, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, खूब देते हैं। अब अभी लिस्ट आउट की है बच्चों की, लेक्चरार लगे हैं, 50+ बच्चे मुसलमानों के लगे हैं बिगर पैसे के। कांग्रेस में पैसों का राज है, उसमें पैसे लेते हैं और नौकरी देते हैं। पब्लिक अपने अपने किलों को बेचती है, एक किला 20-20 लाख में नेताओं को देती है जब बच्चे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्शन एक तरफा नहीं है, नहीं कांग्रेस का, नहीं बीजेपी का, नहीं इनोला का। सर यहाँ महिलाओं के लिए काम हो रहा है? सर महिलाओं के लिए तो देखो पहले से थोड़ा बहुत फर्क तो है। अच्छा। लेकिन वही बात है कि पूरी तरह से स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। अभी भी वो डर है भाई, हम मतलब घर से काफ़ी दूर आके नौकरी कर रहे हैं तो एक डर रहता है परिवार वालों को कि हम मतलब स्कूल से निकलते हैं तभी फ़ोन आ जाता है भाई आप निकल गए, घर पहुंचने तक 10 बार फ़ोन आ जाते हैं। ये चीज़ तो है देखो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी थी, बाकी कुछ अच्छे काम भी किए हैं जैसे गवर्नमेंट ने, अब जैसे बिना, अब वही सरकार का जो नारा है बिना खर्ची पर्ची भर्ती होने का, वो सही है सर, सही है। अब वो पहले वो चीज़ें चलती थी अब नहीं है। चलिए मेरा सवाल एक टीचर से नहीं है, एक आम महिला होने के नाते हैं पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ 500 में सिलेंडर, सड़कें, बिजली, इन सब को लेकर आपकी राय क्या है? 10 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, कांग्रेस की भी यहाँ सरकार। 500 में सिलेंडर वगैरह तो वही है जो ये लगा लो कि वो इनकम का क्राइटेरिया बना दिया। कुछ लोग अब ये PPP से वेरीफाई होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सर एक्चुअल में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, मैं भी देख रखी हूँ, उनके BPL कार्ड नहीं बनते हैं। और जिनको नहीं मिलना चाहिए ना, वो सर पता नहीं कैसे अपनी इनकम कम लिखवा के सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। आपकी पोस्टिंग यही है? हाँ, फीमेल पोस्टिंग। तो ये तो सुनते हैं कि मुसलमानों का इलाका है, मेजोरिटी का, और बड़ा यहाँ डर लगता है, तो पहले से स्थिति अब ठीक है या पहले जैसे? सर यहाँ आने से पहले जितना डर था ना, वैसा नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब जो बोला गया था कि ऐसा है वहाँ ऐसा है, हम सर यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। आप हरियाणा की हैं? हाँ जी हरियाणा की। कौन सा जिला है आपका? चरखी दादरी। अच्छा चरखी दादरी, विनेश फोगाट का जिधर गांव है। हाँ जी। तो आपके इलाके में तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि घर में बात तो होती होगी, विनेश फोगाट को लेकर बड़ा चर्चा हुआ हरियाणा में। सर दोनों पक्षों के लोग मिलते हैं, किसी को किस में बेनिफिट मिल रहा है, किसी को किस में मिल रहा है। लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है वो महिलाओं के खिलाफ है, खिलाड़ियों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, तो विनेश फोगाट ने भी कई बार कहा, तो इस पर आप लोग कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? सर वो सबकी अलग अलग विचारधारा है कि किसी को, सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रही और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ कर दिया, कुछ कमी तो रही है इसीलिए लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी तो रही है, लेकिन उन कमी को पूरा भी कर सकते हैं देखा जाए तो, क्योंकि अब थोड़े टाइम में जैसे नायब सर की सरकार आ रही है, मतलब उन्होंने संभाला तो चीज़ें ऐसे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत पहले से सुधार हुआ है,
अच्छा, ये खट्टर अच्छा थे कि सैनी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा? सर वो जब काम दिखेंगे ना, धरातल पे जो चीज़ें दिखेंगी तब पता चलेगा। अभी थोड़े से टाइम में तो किसी को कुछ नहीं जज कर सकते हम। एक बार तो आगे सभी अच्छा अच्छा ही करते हैं, एक बार तो सबने ही आगे हाँ हमने ये कर दिया, अच्छी चीज़ें ही गिनवाते हैं सर, कमियां कोई नहीं गिनवाता अपनी। हरियाणा में चुनाव का माहौल है तो अलग अलग चौक चौबारों पर इस तरीके से चौपालों पर चर्चा राजनीति की हो रही है, और झिरका में न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है, यहाँ के आम लोगों के बीच में है। तो हम लोग दिल्ली से चाचा ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या है चुनाव का चर्चा आपके विधानसभा में? भाई यहीं तो कांग्रेस है। कांग्रेस है हिंदो कांग्रेस कांग्रेस और इनेलो बसपा जेजेपी। देखिए यार सीट से तो मम्मन है भाई, इन साल मम्मन जीते। अच्छा, और ना काई को नाम गांव है और ना ही इनका एक नाम गांव भी। हाँ, उधर तो हम लोग नूह घूम रहे थे तो वहाँ तो लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान बहुल इलाका है मेवात में, तो लोगों ने कहा मुसलमान बटे हुए हैं, इनेलो बसपा के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं, तो झिरका में क्या कमोबेश मुसलमानों की स्थिति आप लोगों की? यहाँ धर्म निरपेक्ष इलेक्शन हो रहा है, यहाँ किसी धर्म से कोई लेने देने नहीं है। कैंडिडेट जो जन के हिसाब में गाना में आगे आएगा उसके लिए वोट दी जाएगी। यहाँ मम्मन है, वर्तमान में विधायक है, इंशाल्लाह अगली बार भी उसी को चुन रहे हैं निष्पक्ष होके। अगर उसके लिए पार्टी टिकट ना दे तब भी उसी की है। अच्छा, अब सुनो, अगर आप धर्म निरपेक्ष बात करो तो इसमें तो मुसलमान काफ़ी हैं, नसीम अहमद है, आज़ाद मोहम्मद है, ये है वो है, लेकिन हम उस धर्म से अलग ऊपर हट कर जो हमारी सेवा करेगा जन की उसके लिए वोट देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, चूँकि तीन मुसलमान कैंडिडेट हो जाएंगे, इनेलो से भी मुसलमान, जेजेपी से भी मुसलमान, कांग्रेस से भी मुसलमान, तो मुसलमान बटे हुए हैं या ज़्यादातर मुसलमान ना बटा? मम्मा ने जीते को हिंद भाई, आज़ाद भी टिकट सू भी और आज़ाद भी। अच्छा, हाँ जी, बटे हुए नहीं है। नूह में तो लोग बटे हुए थे ना, यहाँ ना बटा क्या दादा? भाई मम्मा ने आए गो ही तो इंशाल्लाह, मम्मा ने आए गो पक्का कांग्रेस पार्टी। हाँ, चाहे कांग्रेस को टिकट मिले ना मिले, मम्मा ने आए गो। अच्छा, आप बताओ भाई। यहाँ से मम्मा ने जी। अरे मम्मा ने हम करें कि क्या है इस बार, चूँकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा कम्युनल लोग कहते हैं कि लोगों का प्रयोगशाला है, तो जब आप अलग अलग घूमते हो दूसरे जगहों में, तो इस बार का जो चुनाव है क्या वो लोकल इशू पर हो रहा है या फिर ध्रुवीकरण जैसी भी कोई चीज़ है? ऐसे ध्रुवीकरण कोई चीज़ ना है, जो जो हमारे यहाँ मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर चुनाव हो रहा है। और हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं काफ़ी काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे अब वो पाँच साल जैसे चुने गए, पाँच साल के ऊपर घर घर जाकर जैसे उसके काम है वहाँ गया है और वहाँ पर जो है उन्होंने जो मेहनत करी है काफ़ी, जो काम विधायक है जो, ये तो हर विधानसभा में देखो जी आप, ऐसे काम होता नहीं जैसे कि रोड है वो, शिक्षा का जो है सतर हमारे यहाँ का हरियाणा का, तो कुछ जो है समस्या होती वो तो रहती है, होती रहती है, लेकिन ये हमारे जो है वर्तमान विधायक काम बहुत काफ़ी अच्छा करा है और यहाँ के जनता के जो है हर इशू को उन्हें विधानसभा में उठाया है, हम उसी को जो है आपके जो है इलेक्शन होंगे उनमें इंशाल्लाह उसको जो है भेजेंगे दोबारा। बगल वाली सीट का क्या है मम्मा? आए बगल वाली सीट का, वो भी कांग्रेस की, वो भी कांग्रेस की। अच्छा, यहाँ लगता है सब कांग्रेस। अरे हम लोग तो इधर भी देखो जी, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या है चुनाव का चर्चा आपके झिरका में? सब लोग मम्मन वाले हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी जी। अच्छा, यहाँ चुकी ना तो कोई मम्मन ना कुछ है जी, अभी तक तो मतलब कांग्रेस पार्टी की है यहाँ तो हमारे। हाँ, अब तक कांग्रेस को किसी को मिल जाए टिकट? मिले मुसलमान भाई तो मिले, हिंदू भाई तो मिले, किसी को मिल जाए हमारा ही कांग्रेस। हाँ, हमारा तो पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस बगल में हम देख रहे थे कि नूह में जी, अब लोग पूछ रहे हैं कि मेवात में चार सीट है, तीन पिछले बार कांग्रेस जीती, लेकिन कह रहे हैं कि तीनों तरफ से अगर मुसलमान कैंडिडेट होंगे तो लोग कह रहे हैं कि फिर मुसलमान बटेंगे कि नहीं बटेंगे? हमने आपसे पहले कह दिया ना, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो जी, अच्छा, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट रहेगा हम वोट उसको देंगे। कहानी इतनी है, ये और बगल वाली सीट पर कौन सी जी? बगल में जो है कौन सा है फूल? उनसे पूछो जी, वहाँ नहीं, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि निर्दलीय वहाँ उम्मीदवार है, वो भी बड़ा ताकत से लड़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही, लेकिन इसको तो वही वो उसी हलके का आदमी बताएंगे ना जी। अच्छा, हम वो अपने हलके की बता सकते हैं जी आपको जी। बोला है कि उड़ती उड़ती बात तो बगल की सीट है,
तो जा के पूछे भाई क्या हिसाब है, कई रोज हो यहाँ, अभी इलेक्शन सामने हुए दो चार पाँच रोज हुए, इसको तो अभी धीरे धीरे ही सामने आई। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। लोगों ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि अस्पताल वो उनके लिए ही बना रही है, यहाँ बिना खर्ची पर्ची के सबसे ज़्यादा जेई लोगों ने 35 बताया कि मुसलमानों की नियुक्ति हुई है। हाँ जी, हाँ तो, बिल्कुल हुई है जी, तो बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है जी, सच है। और बिना खर्ची पर्ची के लगे जी, बच्चे लगे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जब बीजेपी ने काम किया है तो हम बीजेपी को क्यों ना वोट दें, तो हमने कहा कि भाई चलिए नूह में हो सकता है दूसरा समीकरण हो, जिरका में तो ऐसा है, अगर एक ही सरकार चलती रहे तो उसमें विकास कार्य दूसरी जो सरकार नहीं आएगी ना, हम तो इस सोच से दे रहे हैं जी, शायद वो इससे भी ज़्यादा और काम कराए जी, विकास के काम और इससे भी ज़्यादा कराए जी, सरकार में पलटी मारे जी, मतलब बदलाव होना चाहिए जी, हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, मुद्दा चाहे कुछ भी, 10 साल हो गई सरकार चलते, अब दूसरी सरकार भी देखे तक वो कैसी आती है जी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। और ये जेजेपी और इन्हें लोग खूब काम किया जी, बीजेपी सरकार ने खूब काम किया, हमारे निष्पक्ष बच्चे लगे जी, हाँ बिल्कुल बिना खर्चे के पर्चे के लगे जी बच्चे। जेजेपी और इन्हें लोग कुछ ऑप्शन है माइनॉरिटी मुसलमान वोटरों के लिए? देखो जी, जेजेपी बीजेपी नो तो काफ़ी और भी हैं, जेजेपी और इन्हें लोग से भी हैं जी, इन्हें लोग और बसपा का गठबंधन। हाँ जी, तो क्या उसमें बंटवारा है आपके वोट का? देखो जी, कुछ वोट तो शायद जाएंगे जी, उनको भी जाएंगे, 4000 नहीं है फिलहाल जनाधार ना अभी, तो बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। ठीक है, ठीक है, आप लोग कुछ बात करेंगे भैया? हाँ, तबीयत खराब है आपकी भी? सही है, बताइए कि क्या है इस बार चुनाव का यहाँ? यहाँ कांग्रेस। अच्छा, सब लोग ये पूरा मार्केट ही कांग्रेस वाले के पास से मांग रहे हैं क्या? हाँ, न कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, हिंदू मम्मन का ही वोटर है स्टेट। कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब ना, मतलब है मम्मन से, कैंडिडेट से। हाँ, कैंडिडेट लोट दे वहाँ ही ना दे कोई कांग्रेस वांग्रेस किसान लोग, मकसद है हिंदू वोट मम्मन लो देना को, बस इतना जाना हम तो। चलिए कुछ और जगह पहले चलते हैं, मेवात के इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको कि मेवात में क्या है इस बार का चुनावी चर्चा, क्या मुद्दे हैं और क्या इन इलाकों में 2019 जैसा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है या इस बार इनेलो और जेजेपी कोई चुनावी फैक्टर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल है और न्यूज़ 24 हरियाणा के रोडवेज में मेवात के इलाके में लाया है जहाँ पर आम लोग ज़्यादातर सफ़र करते हैं। आम लोगों को क्या तकलीफें हैं, 10 साल बीजेपी का शासन रहा, तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं। आप लोग यहीं से हैं, लोकल हैं? हाँ नहीं, कहाँ से हैं? भिवानी से। भिवानी, भिवानी से? भिवानी, भिवानी। अच्छा, तो आप लोग हरियाणा में ही हैं ना? आप लोग राजस्थान में? राजस्थान, राजस्थान। यहाँ क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान में। अच्छा, तो हरियाणा अच्छा है कि राजस्थान? राजस्थान अच्छा है। हाँ, राजस्थान अच्छा है, राजस्थान अच्छा है। सरकार दोनों में किसकी अच्छी है? मोदी। हाँ, मोदी जी। किसके? मोदी, मोदी की। आप बताइए, महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है यहाँ? अच्छा हो रहा है सर। हाँ, अच्छा हो रहा है। अरे अच्छा हो रहा है, रोडवेज की स्थिति कैसी है? आप कमाई क्या, ये नौकरी करती हैं या ऐसे ही घरेलू? नौकरी करते हैं सर। क्या करती हैं आप? हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। हॉस्पिटल में जी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप हॉस्पिटल में? सॉरी, रिसेप्शन की पोस्ट पर। अच्छा, रिसेप्शन पर है। तो कैसा यहाँ काम की है सरकार ने स्वास्थ्य में? ठीक है सर। ठीक है, लोग आते हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग, ओपीडी होते हैं, 250 की ओपीडी होती है हमारे हॉस्पिटल में पर डे की। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? मैं से तावड़ू से आती हूँ। गुड़गांव से? तावड़ू से। तावड़ू से? कहाँ से? तावड़ू से। अच्छा, तो ये महिलाओं के लिए कैसा काम हुआ है यहाँ? ठीक है सर, महिलाओं के लिए ठीक है जी। हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी है? हाँ जी। तो बीजेपी की सरकार अच्छी थी कि इसके पहले वाली सरकार अच्छी थी? बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी की सरकार जी, बिल्कुल। चलिए, आप लोग भैया आप क्या करते हैं? अरे कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। टीचर हैं? नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग में? हरियाणा के ही हैं आप? हाँ। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसा काम हुआ है 10 साल में सरकार में, तो चुनाव का मौसम है। आप कहाँ से हो? हमको न्यूज़ 24 दिल्ली से। हरियाणा में ठीक है अपना? ठीक है अपना, सब कुछ ठीक और है? बाकी रिजल्ट बताएगा।
इलेक्शन नजदीक आ रहा है। अरे रिजल्ट तो बताएगा, इसीलिए तो बस में सफर कर रहे हैं। बस में कौन रिपोर्टर सफर करता है? क्या बस में कौन रिपोर्टर सफर करता है? नहीं देखो, शहर में और गांव में बहुत फर्क है जी। अच्छा हाँ जी, बाकी आप जब डीपली उससे पूछ रहे हो तो एक बार गाँव में जाके, सरकारी हॉस्पिटल में जाके, डिस्पेंसरी में जाके पता करो कि दवाई या गोली है नहीं है। ऐसे किसी से बोलोगे तो वो कोई खुल के नहीं बता पाएगा। अरे आप तो बताओ आपको क्या है? सही है जो कुछ है। सही है, आप हमको कह रहे हो कि घूमो, आप कह रहे हो कि सही है। हाँ बता दिया मैंने, सही हूँ। जो देखो सरकार सब अपनी जगह सही करती है, तो आगे सही करेगी, चाहे कोई भी ये सरकार रहे चाहे आगे कोई भी सरकार रहे, आज जनता के लिए ही करेगी। नहीं हम लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन, या अगर खराब ही सब है तो सब, हम पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन, या अगर खराब ही सब है तो सबसे कम खराब कौन? बीजेपी का शासन, इन्हें लोग का शासन। हमने अपनी अपनी उम्र में दो ही सरकार देखी है, कांग्रेस या बीजेपी, तीसरे को कभी देखा ही नहीं हमने। अच्छा, क्योंकि हम तीसरे को गलत कैसे साबित करते हैं? हमारे लिए दोनों अच्छी है, जब तीसरी आएगी तो उसका कार्यालय देखेंगे तो उसका अच्छा बताएंगे, क्योंकि तीसरा हमने देखा ही नहीं है ना चेहरा। हमने दो ही सरकार का चेहरा देखा है, एक कांग्रेस और बीजेपी। आप भाई साहब आप कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, पलवल जा रहा हूँ। अच्छा पलवल जा रहे हैं? नहीं हम तो इसलिए पूछ रहे हैं बॉस आम लोगों के बीच में कि कैसा है यहाँ, 10 साल में सरकार ने काम किया। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा दो तीन अच्छा काम बताइए जो हरियाणा सरकार ने आप लोगों के लिए बेहतर किया। प्रॉपर तरीके से कर ही रही है अभी तो सरकार काम, और सरकार से तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा। कांग्रेस के मुकाबले सरकार अच्छी है? बहुत ज़्यादा। अरे तो एक दो काम तो बताओ जो आपके परिवार को, आपके गाँव में कुछ लाभ मिला हो, ये तो बताओ। इस पे डीपली बातें हैं फिर। हाँ सही ना, ना बोलता नहीं है क्योंकि हम मेरे साथ का है। डीपली चलो ठीक है। आप भाई साहब बताओ कुछ। जी मैं तो यहाँ का नहीं, लोकल का नहीं। अरे वोटर तो हो? हरियाणा का नहीं, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से? आप कहाँ से हैं? कैसा सरकार काम कर रही है? सही है भैया, हमारे लिए सबके लिए सही, तो हमारे लिए भी सही सरकार। और क्या भैया, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी कि बीजेपी की सरकार? मैं भैया पढ़ी लिखी मैं जानती नहीं। अरे कुछ तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जानते। गरीब तो क्या सकता है कोई, कोई सकता नहीं, सुनवाई भी कोई नहीं। अरे मांग भी क्या खा रहे हैं? अच्छा सरकार की तरफ से नहीं कुछ मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ना। झोपड़ी बड़ी है हमारे, तो झोपड़ी बड़ी है, पानी खड़ा है हमारे आंगनों में। अच्छा। हाँ कोई नहीं करता अभी चीज पास भी। तो पेंशन भी दे रही है, माँ कह रही है कि बुजुर्गों को। अरे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा भैया, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। अनाज तो मिल रहा है? हाँ अनाज तो मिल रहा है। अनाज क्या रूखा खाए क्या? अरे वोट है तो कौन भारी है, कौन पसंद है आप लोगों को? अरे सभी पर्सन है हमें तो भैया, हम किसी से बुरे नहीं है। अरे वोट तो एक ही को दोगी, दो को दोगी तो वोट रद्द हो जाएगा? नहीं तो ये हाथ छाप ठीक है कि फूल छाप ठीक है, ये तो बताओ। सभी ठीक है हमारे के लिए, तो हमारे के लिए सभी ठीक है, सभी बराबर है, ठीक है दोनों तरफ। जब भी कमा के खानी पड़ेगी जी, जब भी कमा के खानी पड़ेगी जी। अरे कमा के तो हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन वोट तो देते हैं। वोट फिर हमारे मताधिकार फायदा है क्या हुआ? मताधिकार का अगर बता के दें तो किसी को वोट, तो मताधिकार किसको? तो हम पूछ रहे हैं कि पार्टी कौन अच्छा कर रही है। उम्र के हिसाब से दोनों सही कर रही है, क्योंकि हमने दोनों सरकार तीसरे को मौका दो, हम तो ये कह रहे हैं। चलो ठीक है। तो आम लोगों के बीच में News 24 है, चूंकि रोडवेज की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आम लोग सफर करते हैं और इसमें वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, जिसमें युवा होते हैं, महिलाएं होती है, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख आएगी, उम्मीदवारों का ऐलान होगा, वैसे वैसे चुनाव का रंग चढ़ेगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बीते 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होती है या फिर लहर पर सवार कांग्रेस
लोकसभा जैसा यहाँ कोई शानदार प्रदर्शन कर पाने में सफल होगी। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हरियाणा के कुछ और विधानसभा से आपके सामने फिर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।